गुड इवनिंग। द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम उस्ताद रशीद खान साहब के साथ बात करेंगे रामपुर सासवान घराना इवेंट के बारे में, जिनके शुरुआत माना जाता है उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब से, फिर उस्ताद हैदर खान, उस्ताद फिदा हुसैन खान, उस्ताद मुश्ताक खान, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, फिर उस्ताद हफीज अहमद खान साहब, फिर आप। इतने नंबर ऑफ अवार्ड्स है, इतने नंबर ऑफ अवार्ड्स से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण, फिर संगीत नाटक अकादमी से राष्ट्रपति पुरस्कार तक, जो काबिले तारीफ है। आपके लिए ग्रेट सेटिस्फेक्शन होगा जब आपके लिए पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा था, अगले पीढ़ी के लिए हिंदुस्तानी वोकल के ये हाजिर है। तो आपको ये सुन के कैसा लगता है, अभी बताइए आप इस इवेंट के बारे में, रामपुर सासवान घराना इवेंट क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरे सारे घराने के अपने नाम बोले और भी बुजुर्ग रह गए, जिसमें उस्ताद सादिक हुसैन खान साहब, उस्ताद गुलाम अकबर खान साहब, उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब, जुल्फिकार हुसैन खान साहब, बहुत ये सब ये नाम है। और घराने का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारे मेरी एकेडमी की तरफ से द फिफ्थ नोट ग्लोबल ऑफ सेंटर एक्सीलेंस, तो ये चीज जो है, ये हमारे घराने में जो एक सिखाने की पद्धति जो है, वो एक अपने आप में बहुत अलग है। पद्धति एक ही होती है हर घराने की, लेकिन हमारे घराने में जिस तरह से सिखाया, पलटों का इस्तेमाल करना और सुर की साधना करना, और जैसे मर्सी कुछ तान के, अगर तान निकालनी है तो उसके लिए कुछ मर्सी होते हैं, जो मुहर्रम शरीफ में जैसे 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो एक छुट्टी का दौर रहता था उस्तादों का, तो उस वक्त ये सब मर्सिये दोहराए जाते थे उसको तान की स्पीड लाने के लिए। और जो तालीम का जो सीना बसीना आमने सामने बैठ के तालीम जो ली जाती है, वो एक गुरु के पास पॉसिबल है। जिस तरह से मैंने सीखा, तो गुरु के बिना ये साधना इनकम्प्लीट है, नेचुरली, ये तो बात सही है। तो अभी हम लोग आपको एक वीडियो दिखाएंगे जी, प्लीज वो देखिए, फिर कुछ बात करेंगे आपसे, कुछ प्रश्न है आपसे जी। तो उसके जड़ बुनियाद पूछते होंगे, अरे साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो बच्चे, तो हम तो बोलने की ताकत भी नहीं थी उनके आगे, जो बुजुर्ग लोग थे जो उन्होंने कहा, जी हाँ के सिवाय कुछ कह ही नहीं सकते थे। मैं आजकल के जमाने में होता तो जो मैंने तरक्की करी है वो तरक्की मैं नहीं कर पाता। गाना भी गाएंगे और कुछ साथ में पढ़ाई लिखाई भी हो, बगैर पढ़ाई लिखाई के आज बिल्कुल बेकार हो। तुम कितने ही गाते बजाते हो, अगर यशन नहीं किया किसी से तो कुछ नहीं, बेकार है गाँव। Oh,
हाँ, ये तीनों को आपने बहुत करीबी से देखा है, ये छोड़ के भी बहुत सारे को देखा है, तो हम लोग आपकी मुझसे ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं जो हम लोगों को ऐसे नॉर्मली सुनाई नहीं मिलता है, इनके तालीम, इनके प्रैक्टिस, इनके बहुत सारे चीजें, थोड़ा सा जितना देखिए, आप बता सकते। हाँ जब ये लोग सीखते थे तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ हमारे बड़े हाँ मामू उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, उस्ताद हफीज अहमद खान साहब, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, क्योंकि ये उम्र काफी उम्र वाले होके थे ये लोग, हम हाँ लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो हाँ इन लोगों ने रियाज किया, उसके बाद जो हमने जो रियाज किया, हमें गुरु जी ने, हमारे उस्ताद ने जो रियाज करवाया निसार हुसैन खान साहब ने, तो हाँ वो सुबह को एकदम सुर का रियाज करवाते थे, हाँ और उसमें और दो तीन लोग साथ में हम लोग बैठ इकट्ठे होकर बैठे, हमारे एक और मामू थे गुलाम अकबर खान साहब और हाँ इफ्तखार हुसैन खान साहब, तो हम हाँ लोग तीन चार मिलके बैठते थे। तो वो एक वक्त एक अलग ही था, क्योंकि उस बीच में एक जिद वैसे रहती थी, कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा किस हाँ तरह से रियाज कर रहा है, तो वो एक चीज कंपटीशन। वो तो बड़े थे हमसे, लेकिन हम हाँ बहुत छोटे थे, बच्चे थे उनके सामने भी। तो हाँ ये रियाज करने का तरीका था कि उन लोग के सामने, फिर उसके बाद कुछ भी अगर गलती होती थी, अगर मैं अकेला अगर रियाज कर रहा हूं, हाँ तो उस वक्त हमारे जो उस्ताद थे वो फौरन डांटना हाँ शुरू करते थे कि ये गलत सुर लग गया, गलत सुर हाँ लगा रहा है। तो ये हाँ चीज थी कि वो वक्त जो रियाज करने का था, एक गुरु के सामने रियाज करना एक बहुत अहम चीज होती है, बहुत हाँ मायने रखते हैं। हाँ तो गुरु शिष्य परंपरा क्यों इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, क्योंकि ये है असली जी बात। हाँ, ये बताइए, ये डांटना, मानना, सिखाना, पकड़ के रखना, ये सारे चीज के बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों इतना, क्योंकि आज की पीढ़ी को ये जानना है कि वो वहां पे रह के क्या होता था और वहां पे नहीं रह के क्या होता है। देखो, देखिए, उस्ताद के सामने बैठ के एक एक चीज, बंदिश, राग जो सीखने को मिलता है, वो एकदम पुख्ता तालीम होती है। बाकी सुन के एक इंसान जो सीखता है, वो भी एक सीखना होता है। सुन के आप एक बंदिश याद कर सकते हैं, लेकिन जो राग, रागदारी, जिस राग की बंदिश होती है, उसमें बढ़त करना, राग को कैसे देखना है, राग का चाल चलन क्या है, तो उसको उसको पहले हमें देखना चाहिए, और वो चीज एक उस्ताद के सामने हो सकती है, सुनने से वो चीज नहीं आ सकती। रामपुर सासवान घराना, इसके बाद आपको रामपुर सासवान घराना आपके पास कितना अहमियत रखता है, क्योंकि वो घराना आपको बहुत कुछ दे चुका है, मीन्स आपके जिंदगी क्योंकि मेरा घराना है, मेरे बुजुर्गों ने बनाया है, वो तो के। नेचुरली उसका ठेकेदार भी मैं ही हूँ उस घराने का, और भी मेरे भाई लोग हैं, मेरे हाँ सरफराज हुसैन खान साहब के लड़के हैं, मुजाहिद हाँ हुसैन खान साहब, और भी सब खानदान में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन उस चीज को क्या, घराने का एक दूरी पे ले जाना, एक नाम करना घराने का, तो वो दो चार आदमी से ही होता है नाम एक घराने का, जिसमें मेरे बड़े मामा जी हैं, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब पहले आते हैं, मेरे उस्ताद, मेरे नाना भी थे वो पहले आते हैं, हफीज अहमद खान साहब एक हद तक, मुश्ताक हुसैन खान साहब काफी, उन्होंने घराने को आगे बढ़ाया, वो काफी विद्वान लोग, काफी गुणी लोग, ये सब मेरे घराने में पैदा हुए। तो घराना, इसके बाद पूछ रहा हूं कि घराना क्यों जरूरी है, क्यों, किस लिए? बिना देखिए, हर इंसान गाता है, सभी गा रहे हैं, हाँ लेकिन अगर उसके बाद एक घराने का गुरु, एक हाँ घराने के उस्ताद हाँ अगर होते, तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। तो घराना इसलिए हाँ जरूरी है कि तालीम के लिए, अभी तो घराने तो वैसे काफी बन गए, बहुत से घराने हो गए जिनका नाम भी नहीं हाँ सुना है, वो भी घराने बन गए, जिसको देखो अपने गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बिना सीखे हाँ हुए। सीख के आप, हाँ मैं इसलिए भैया इस बात को कर रहा हूँ, बिना सीखे हुए, जैसे
अब रियलिटी शो में ले लीजिए, सब बिना सीखे हुए हैं, हाँ मैं इन हाँ लोगों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ और जहाँ उस्ताद के पास अगर बैठ के तालीम लेते हैं तो वो चीज अलग अलग तरह की होती है, ये मेरा मानना है। बचपन में, अभी एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ, ये बचपन में आप कभी सोचे थे कि आप इतने बड़े गायक हो जाएंगे? बड़े गायक तो बहुत है, लेकिन साथों साथ आप एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, ये आप बचपन में कभी सपने में भी आया था ये आपके पास? सोचा नहीं था, इसलिए शायद अल्लाह ताला ने, भगवान ने बड़ा बना दिया। मैं तो इस काबिल अभी हूँ नहीं, मैं अभी भी बड़ा नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ संगीत की सेवा, अभी जितने अल्लाह ताला ने, भगवान ने जितनी जिंदगी दी है उतने दिन संगीत की सेवा करूंगा, लेकिन बड़ा बनना जहां तक है बहुत मुश्किल है बड़ा बनना। तो हर इंसान कोशिश करता है बड़ा बनना, मैंने सोचा नहीं था, ये चीज मैंने सोची नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था कि मुझे कुछ बनाने का था, ये उनकी मर्जी थी। कोशिश हमारी हमारी मेहनत हमने हमने की, कोशिश की। ये आप मानते हैं, मीन्स मेहनत भी अल्लाह ताला ने ही करवाया आपसे? वो तो है, अच्छा एक बिना बात मेहनत के बताइए। बिना ऊपर हाँ वाले का हाथ के कुछ होता नहीं है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, 15 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रियाज करते रहते हैं, हाँ ये भी है, तो उनको भी तो अल्लाह ताला ने दिया ना, रियाज कर रहे हैं। हाँ लेकिन हाँ नसीब हाँ नसीब बस किसका कब चमक जाए, कब अल्लाह ताला उसके नाम में बरकत दे दे, नाम हो जाए। काम अच्छा करना चाहिए, मेरे ख्याल से काम अच्छा होता है तो दुनिया याद रखती है, काम नहीं है तो बेकार है, हाँ तालीम नहीं है तो बेकार है, और तालीम के बाद एक अच्छा परफॉर्मर एक बनना, अच्छा परफॉर्म करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है उस चीज का। तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत नसीब भी साथ में होता है, जी बट वो भी अल्लाह ताला की मर्जी देन होती होता है, है हर चीज। देन होती एक है। एक बात क्या है कि आवाज देनी चाहिए पहले, तो गाने में सबसे बड़ी चीज है आवाज। हाँ तो ऊपर वाले के पूरे के पूरे देन है, मीन्स वो आशीर्वाद है या कृपा है, ये बिल्कुल आप आशीर्वाद, आशीर्वाद ही समझूंगा मैं इसको तो। अच्छा और एक बात आज की, मीन्स मैंने एक बहुत अच्छा सा लाइन गरम पढ़ा था कभी, जी कि जो रिवाज करता है, जो रिवाज करता है वो राज करता है, जो बिल्कुल रिवाज करता है वो राज करता है, जो रिवाज नहीं करता है वो राज नहीं करता है। तो आज के टाइम में वो डेडिकेशन क्या आपको नजर आता है? एटलीस्ट आप लोगों के टाइम में भी जो डेडिकेशन था, वो डेडिकेशन क्या आज के जमाने में नजर आता है? जो स्पेशली यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये बहुत सारे ऊपर वाले की देन आ चुका है और एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन आ चुका है, तो उसमें आप बिल्कुल। क्या सोचते हैं? हाँ उसमें आप क्या सोचते हैं कि वो देखिए डेडिकेशन मिल रहा है वो? एक चीज, वो भी एक अपनी हद तक सही है, वो भी अपनी जगह अच्छी अच्छी चीज हुई कि ताकि लोगों को सुन के सीखना पड़, जो लोग सुन सुन के कुछ ले पाते हैं उसमें से मटेरियल जो होता है यूट्यूब में, जो पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। तो ये साधन तो जरूर अच्छी बात हुई है इस बार, ये तो YouTube जो शुरू हुआ, इसमें काफी पुरानी पुरानी रिकॉर्डिंग है, बड़े बड़े कलाकारों का सुनने को मिलता है, किसने क्या राग गाए वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन जहां तक तालीम का सवाल है, वो तालीम तो सीना बसीना है जो उस्ताद के सामने होती है, तो वो बहुत जरूरी है। हम लोग यूट्यूब से भी सुनते हैं, सब उस्तादों को, अपने बुजुर्गों को सुनते हैं, और सुनते भी क्यों है, इसलिए सुनते हैं कि उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिली, तो उससे वो लफ्ज जो होते हैं, शायरी जो होती है गाने की, वो लेने के हाँ लिए, समझ गए? हाँ यानी कि यूट्यूब तो गाना नहीं सिखा देगा, गाना तो एक उस्ताद ही नहीं, सिखाएगा। हाँ यूट्यूब ने बहुत अच्छा काम किया कि आजकल लोग देख सकते हैं, घर बैठ के आप
सुन सकते हैं, किसी आपका किसी का भी मन चाहे, मैं अगर मन चाहे कि भाई उस्ताद अमीर खान साहब को सुनना है, मैं अपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब को सुनना है या सरफराज हुसैन खान साहब, हफीज अहमद खान साहब, मेरे जितने बुजुर्ग है उनको सुनना है, तो उसके लिए ये एक साधन है, ये एक रास्ता हो गया यूट्यूब। हाँ, आप लोगों के टाइम पे, आज की जनरेशन बोलता है, आप लोगों के टाइम पे वो नहीं था, जब रिवाज करते थे तब रिवाज ही करते थे, आज के टाइम में जब आप रिवाज कर रहे हो उस टाइम में व्हाट्सएप की व्हाट्सएप से मैसेज भी आता जा रहा है, और उसको बिल्कुल उसमें हम लोग देख भी रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो ये एक डिमेरिट्स तो जरूर आ चुका है, लेकिन मेरिट्स बहुत सारे हैं। तो जी हाँ, आप खुद जी माता पिता गुरु इनमें से किससे ज्यादा प्रेरणा मिला है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? देखो, देखिए, आप मुझे अपने माता पिता से भी प्रेरणा मिली, लेकिन जहां तक गुरु का सवाल है, गुरु ने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक सीख दी मुझे कि एक विद्या दी। बाकी हाँ, माता पिता तो ये भी बोलते हैं कि माता पिता से ज्यादा गुरु की अहमियत हो जाती है, जो जो हमने सीखा है। हाँ, तो इसलिए ये बात इसलिए मैंने उठाया। अच्छा, फिर आपको पूछते हैं, मिस आपके लिए एक और एक मिस, हम लोगों के मन में बहुत सारे चीज आता है। जी, आज के पीढ़ी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखते तो है, जी हाँ, पर दुनिया उन्हें ग्लैमर से जुड़ देते हैं, टेलीविजन टैलेंट शो, ये शो, वो शो, ऐसे बहुत सारे चीज आता है, इसके बारे में स्पेशली टेलीविजन टैलेंट शो के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके साथ रिलेटेड ग्लैमर, जो छोटे छोटे बच्चे ग्लैमर से जुड़ रहे हैं आज की डेट में? इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, रियलिटी शो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक नाम करने का एक अच्छा साधन है। लेकिन मेरा जो आपका जो पहले के प्रश्न में मैं आ रहा हूँ अभी, तालीम वाले, उसमें इसके इसी से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर तालीम अगर होती है, शिक्षा अगर होती है, वो शिक्षा को लेके अगर उसमें जाया जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, वो चीज अच्छी बात होगी वो। और अगर मैं पहले जो वीडियो दिखाया उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की, वो बातें कि आज की जी पीढ़ी में आज भी अगर मैं गाता तो फिर उतना तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, उसके साथ ये जरूरी है, तो फिर इस म्यूजिक को खुद एक पढ़ाई लिखाई के तरफ हम लोग उतने उस हिसाब से सोचते नहीं है, बहुत कम फैमिली है, बहुत कम माता पिता है जो म्यूजिक प्रोफेशन हो सकता है, इस हिसाब से इस चीज को देखते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? फिर से ही प्रश्न पूछिए, फिर से अच्छा प्रश्न करिए। अच्छा हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि उस्ताद निसार हुसैन खान साहब जो बोल रहे थे कि आज के टाइम पे अगर मैं होता तो फिर उतना तरक्की नहीं कर पाता, आज पढ़ना भी पड़ेगा, ये सब भी करना पड़ेगा, फिर म्यूजिक के तालीम भी लेना पड़ेगा, तो फिर उसमें हम लोग मीन्स पढ़ाई के बगैर बाकी कुछ भी चीज कर नहीं पा रहे, तो फिर म्यूजिक को, खाली म्यूजिक को पढ़ाई के तौर पे एक बुनियादी जो बात है कि म्यूजिक भी पढ़ाई है एक, तो कितने माता पिता है जो इनको मानते हैं, बहुत कम माता पिता है, पहले ही वो आवाज आते हैं कि बेटा पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई के बगैर तुम कैसे जियोगे, जो आज के जमाने में हाँ मानते हैं सही है, बट म्यूजिक की भी पढ़ाई एक होता है, ये आप उस मिस इस उस पेरेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे कि म्यूजिक भी एक पढ़ाई है, म्यूजिक भी एक प्रोफेशन हो सकता है, इसमें बहुत सारे चीजें, ऐसा नहीं कि सारे गायक बन जाते हैं, बहुत सारे चीज है इसमें, तो जो म्यूजिक से प्यार करते हैं वो बहुत सारे चीज कर सकता है। एक चीज मैं आपको कहूंगा, म्यूजिक में भी गायक कितने लोग होते हैं और पढ़ाई में भी कितने बड़े प्रोफेसर होते हैं, कितने लोग आपको मैं ये नोबेल प्राइज जो लेने वाले, कितने लोग रविंद्रनाथ हुए,
रविंद्रनाथ जी ने तो पढ़ाई इतनी की नहीं थी, लेकिन वो आज क्या दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर हाँ कितना उनका नाम है, हाँ कितनी उन्होंने हाँ पढ़ाई की थी। उन्होंने हाँ स्कूल संगीत को ही अपना, संगीत को ही ज्यादा उन्होंने महत्व दिया, और संगीत से वो उन्होंने रविंद्र संगीत को भी निकाला। ये भी एक मिसाल हो सकती, ये भी एक मिसाल है ना। हाँ आजकल के दौर में सब, आजकल का दौर एक ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई सही में बहुत जरूरी है, लेकिन एक बच्चे के दिमाग पे जो प्रेशर पड़ेगा, अब पढ़ाई भी करवाओ गाना भी सिखवाओ, ये चीज भगवान अल्लाह ताला जो है वो एक जो बोलते ना, इसमें बहुत टैलेंट है, टैलेंटेड है, एक खुदा का दिया हुआ है, तो वो बहुत कम लोगों में वो चीज मिलती है जो पढ़ाई लिखाई भी, और साथ में अच्छा गाना बजाना भी करता है, गाना भी गाता है, अच्छा बजाता भी है। तो ये एक टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन सबको अल्लाह ताला देता नहीं है, और लेकिन कोई भी प्रोफेशनल के हिसाब से अगर लेता है तो उसके लिए मेहनत है, और अल्लाह का कर्म होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ। अब और एक बात पूछूंगा, ये स्पेशली बंगालियों के लिए है। वो ये है कि बंगाली एक्सेंट जो है, बंगाली एक्सेंट, वो जी बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे, बहुत कोई, मैंने बहुत से बहुतों से ये बात सुना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल के लिए वो एक बाधा है बंगाली एक्सेंट, जो बोलने की तरीका है, उच्चारण की जो होती है, इससे कैसे दूर किया देखिए, जा सकता है? एक्सेंट की जहां तक बात कर रहे हैं, बंगाली, सिर्फ बंगाली एक्सेंट को लेके आप मत चलो, हमारे हाँ भारत में इतनी भाषा है, तो किस किस का हाँ एक्शन जो आप हाँ एक्सेंट, ठीक करोगे, एक्सेंट एक्सेंट किस हाँ किस का आप सही करोगे, उड़िया, उड़ीसा जाओ उड़ीसा, आंध्रा जाओ आंध्रा, तमिलनाडु में जाओ तमिलनाडु, तो हाँ महाराष्ट्र में जाओ, सबका एक एक होता है हाँ कि थोड़ा एक्सेंट में परेशानी हाँ होती है सबको, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको, उनको भी कोई परेशानी होती नहीं है। हाँ मीन्स वो बाधा को उन्होंने तोड़ के आगे जा चुका है, उस बाधा को उन्होंने तोड़ के आगे जा चुका है। हाँ जी फरमाइए फिर से। मैं बोल रहा हूं, उस बाधा को कुछ लोगों ने तोड़ के आगे जा चुका है, कि उनके लिए वो कुछ एक बाधा नहीं है, उन्होंने उसको अच्छे से संभाला, संभाल के वो एक्सेंट को दूर करके अपने हिसाब से। और एक बात पूछना चाहेंगे, एक गुरु और एक टीचर, इसमें फासला कितना है? मीन्स एक शिक्षक और एक गुरु में आपने सवाल तो अंतर। बहुत अच्छा किया है, हाँ गुरु और टीचर का। देखिए, हाँ गुरु जो, जिसको उस्ताद बोलते हैं हम लोग, एक हम लोग उस्तादी भाषा में बोलते हैं कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, अपने उस्ताद के यहाँ जा रहे हैं, अपने गुरु हाँ जी के पास जा रहे हैं। और जहां तक टीचर का सवाल है, टीचर वो होते हैं जो, जो ट्यूशन करते हैं, घर में क्लास होते हैं, 50 स्टूडेंट साथ में आ गए, इकट्ठे आ गए, या बाहर जाके हाँ सिखाते हैं, तो ये फर्क है। गुरु तो इतने कोई जाते नहीं है, मेरे उस्ताद को कभी ट्यूशन करते हुए मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हाँ वो घर में ही जो भी आते थे, भाई घर में आओ सीखो बैठो काम करो, तो वो घर हाँ जैसे शागिर्द जो होते थे, वो घर जैसे हो जाते थे, घर जैसे हाँ ही हो जाते हैं, वो अपने ही हाँ बच्चे समझते थे वो। हाँ अब टीचर का क्या है, टीचर का और गुरु में फर्क यही है, एक तरह हाँ से देखा जाए दोनों ही एक ही है, एक ही होता है, हाँ लेकिन फर्क जो हो जाता है वो अलग हो जाता है, मुझे, मेरे ख्याल से। हाँ अच्छा अभी तो हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, मिस ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं इस इंटरव्यू के, लेकिन जी, एक लास्ट इसके पहले, एक। इसके पहले मैं ये बोलूंगा, ये प्रोग्राम जो है घराने का हमारे हर रविवार को होगा, और हाँ हर शुक्रवार को, मैं हर रविवार और फ्राइडे इसी वक्त मेरे साथ, आप लोग के साथ, मैं हर शुक्रवार को मिलूंगा, फ्राइडे को, और हर रविवार को जो लोग गाना बजाना करेंगे वो लोग तो ये डिक्लेयर भी आप कर दिए कि बातों बातों में उस्ताद खान मिलेंगे तो अगले उसमें, हर रविवार बातों बातों में। हाँ
लेकिन उससे पहले आखिरी और एक सवाल होगा, द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो जी उस्ताद जी रशीद खान एकेडमी की एक अहम हिस्सा है, वो शुरुआत के पीछे कारण क्या था? बहुत सारे हैं, मीन्स आज की डेट में लोग बोलते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो शुरुआत के पीछे वजह क्या है? मेरी शिक्षा की बात बोल रहे हैं। के द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के शुरुआत के पीछे कारण क्या है? क्यों आप शुरू किए थे? देखिए, इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। इसमें काफी लोग हमारे साथ, मेरी एकेडमी के लोग काफी, जिसमें मेरी मिसेज भी हैं, सब लोग मिलके इसको, इस चीज को, नई चीज एक बनाई, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये हमारे एक एकेडमी का पार्ट है। तो ये एक सोच थी हम लोगों की कि इसको कुछ नया किया जाए और इसको आगे लेके जाया जाए। इसके बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बातों बातों में प्रोग्राम के लिए, जो फिर थर्ड मिलेंगे अगले अगले उसमें, ये संडे को ही मिलेंगे, ये संडे को मिलेंगे आप ये सबके साथ, रविवार। फिर हाँ से बातों बातों में हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसको मजा आएगा, बहुत बढ़िया और लगेगा मुझे। सबसे बड़ा बात है उस प्रोग्राम के होस्ट आप है, पहली बार लाइफ में, आप लाइफ में बहुत नहीं बार गेस्ट के तौर पे आ चुके, लेकिन नहीं उसमें बहुत मुझे आप मुझे भी होस्ट। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए आज सबके साथ रूबरू हो रहा हूं हाँ मैं। इस बहाने ही हाँ सबके साथ कम से कम हाँ मैं सबको सुन पाऊंगा, अपने घराने के जितने घरानेदार मेरे घर के लोग हैं, और भी मेरे हमारे घर के शागिर्द वगैरह हैं, जो भी सब लोग एक अपने रामपुर सेसवान घराने को लेकर, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलेंगे हाँ अगले रविवार को बातों रविवार बातों को में। बातों बातों में, जी जी उसके बाद होगा प्रोग्राम, गाना बजाना, ठीक है? जी जी बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ और नई पीढ़ी के कलाकार बनाने के लिए ये भी एक बात है कि ये हम लोग का एक जो हम लोग मुहिम शुरू की है, इस हाँ मुहिम को लेके हम लोग नए नए जो जनरेशन है, नए कलाकार इसमें सब लोग सीखेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे घराने के बारे में भी काफी कुछ आप लोग जानकारी आपको मिलती रहेगी, आपको हाँ ऑलरेडी जानकारी दे ही दी है, हाँ और भी बहुत सी चीजें आपको अगले उसमें एपिसोड अगले रविवार को हम लोग बहुत मिल रहे हैं उस बहुत सारे अंदर की बातें निकल के आएगा। बातें जरूर निकलेंगी। चलिए सीक्रेट्स ऑफ दिस घराना। जी। हाँ थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाल के आए, इसमें आपने टाइम दिए, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एकेडमी के लिए, प्रोग्राम के लिए, इवेंट के लिए, सब कुछ चीजों के लिए। थैंक यू जी, वेरी सारे मच। सारे बच्चे लोग आएंगे। शुक्रिया आप सबका, आप लोग से रूबर होके मुझे बहुत आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये घराने को लेके, रामपुर सहसवान घराने को लेके जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है, ये आप सब अगले रविवार को, अब हर रविवार को मैं तो मिलूंगा आपसे बातों बातों में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। जय हिंद।